हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले जो हमारे वीडियोस थे उसमें हमने सेक्शन वन में जो भी क्वेश्चन आए 20 क्वेश्चन उसको हमने देख रखा है, तो इस जो सेक्शन टू है उसमें हम लोग देखेंगे अगले नेक्स्ट 20 क्वेश्चन को। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ पॉजिटिव रेनफोर्समेंट ट्रेनिंग यानी PRT ऑफ एनिमल, इसमें पूछा जा रहा है। थोड़ा क्वेश्चन में ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बेनिफिट किसका नहीं है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट ट्रेनिंग जो एनिमल का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज द वेरिएबिलिटी इन एक्सपेरिमेंटल डाटा। ये जो है वेरिएबिलिटी जो होता है एक्सपेरिमेंटल डाटा में उसमें कोई भी बढ़ोतरी होगी तो ऐसा कुछ होता नहीं है जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट ट्रेनिंग होता है। ऐसे ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट ट्रेनिंग जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है जो डेली हस्बेंड्री प्रोसीजर होता है उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, रिसर्च पर्पज़ के लिए और वेलबींग को भी ये प्रमोट करता है। तो ये सारे इसके राइट आंसर में आ जाएंगे। ठीक है, अब यदि हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लेटलेट। अब पूछा जा रहा है प्लेटलेट का फंक्शन क्या नहीं है। तो जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ABD ये सारे फंक्शन हैं प्लेटलेट के, और ये सी जो है प्लेइंग अ सेंट्रल रोल इन थर्मो रेगुलेशन में सेंट्रल रोल प्ले करता है, ये गलत बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन स्पेंट इन विच टू होस्ट। जो प्लाज्मोडियम होता है आपने देखा होगा, जो मलेरिया डिजीज होता है तो उसमें प्लाज्मोडियम बिवैक्स या प्लाज्मोडियम ओवल के बारे में आपने सुना होगा, तो ये दो स्पीसीज के बारे में आपको पूछा जा रहा है। वो दो कौन से होस्ट होंगे जिसमें वो स्पेंट होता है, उसका लाइफ साइकिल जो होता है वो उस दो होस्ट से गुजरता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्यूमन एंड एनाफिलिस मॉस्क्यूटो। जो एनाफिलिस मॉस्क्यूटो होता है और ह्यूमन जो होता है इन दोनों में ये लाइफ साइकिल पूरा चलता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको जो मॉस्क्यूटो यदि उसको सक करेगा, यदि उसको बाइट करेगा और वहाँ से ब्लड को सक करके वो अपने अंदर ले लेगा, और फिर यदि कोई दूसरे पर्सन को भी यदि वो बाइट करता है तो उसको मलेरिया होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, चांसेस क्या वो होगा ही होगा कि रीजन है उसके जो गट्स हैं उसके अंदर वो स्टोर हो चुका है। ठीक है, जो ब्लड स्टोर है उसमें जो प्लाज्मोडियम बिवैक्स या प्लाज्मोडियम ओवल्स के वहाँ पे प्लाज्मोडियम होंगे वहाँ पे पैरासाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विच ऑफ दिस टर्म इम्प्लाइज अनकंट्रोल्ड प्रोलाइफरेशन ऑफ सेल्स। तो ये जो है इसमें से कौन सा टर्म है जो कि अनकंट्रोल्ड प्रोलाइफरेशन ऑफ सेल्स को इंडिकेट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नियोप्लास्टिक। ठीक है, जो नियोप्लास्टिक डिजीज होता है एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि जो बिनाइन और मैलिग्नेंट जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एक ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यदि मैलिग्नेंट होगा तो कैंसरस सेल्स वहाँ पर ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ये समझ लेना है। और बिनाइन होगा तो वो सिंपल सा जो ट्यूमर होता है वो बिनाइन होगा। ठीक है, तो ये ट्यूमर ग्रोथ होता है, आपको ये समझना है न्यूप्लास्टिक वाले में। तो ये इसका जो कंडीशन है अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन जो होता है सेल का उसकी वजह से ऐसा होता है ट्यूमर का फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द वीरियोन कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ आर न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैप्सिड। ठीक है, जैसे वीरियोन बोला कि आपको समझ जाना है कि वायरस के बारे में बात हो रहा है, तो कैप्सिड जो होता है वो प्रोटीन सेल होता है जो वायरस के इनक्लोज जो होता है वायरस। ठीक है, इसका जेनेटिक मटेरियल कह सकते हो आप, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का वो इनक्लोज होता है कैप्सिड से। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो कैप्सिड क्या है, एक प्रोटीन सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, किस विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से जेरोथलेमिया होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए की कमी से जो होता है जेरोथैलेमिया होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। और ये जो होता है आप इसको ऐसा कह सकते हैं ऑक्यूलर डिजीज कह सकते हैं। ठीक है, यानी आंखों का ये डिजीज है, इसमें स्पेक्ट्रम जो होता है वो काफ़ी प्रभावित होता है। ठीक है, और सीवियर विटामिन ए डिफिशियंसी की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाएगी तो इसकी वजह से यहाँ पर ये डिजीज काउज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, SGOT और GPT के बारे में बात किया जाता है। ये SGOT SGPT जो है ये एंजाइम्स
कहाँ पाया जाता है, किस ऑर्गन में पाया जाता है, तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। सबको पता है कि लीवर जो होता है, SGOT SGPT जो होता है वो लीवर में पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि किडनी होता तो उसके बाद बारे में तो पता है यूरिया, क्रिएटिनिन, ये सारे होते, तो यदि लीवर है तो SGOT SGPT, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दिस इज़ अ लैब बेस्ड सप्लीमेंट्री टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ TB इन कैटल। जो कैटल जो होते हैं, जो पशु होते हैं, तो पशुओं में जो TB होता है उसको डायग्नोस करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है, लैब बेस्ड सप्लीमेंट्री टेस्ट जो होता है, तो उसमें कौन सा टेस्ट है, तो द इंटरफेरॉन गामा ब्लड टेस्ट, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इंटरफेरॉन गामा ब्लड टेस्ट जो होता है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोस करने के लिए, इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के लिए जो कैटल्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन ये जो है, ये जो लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन होते हैं और ट्यूबरक्लोसिस डिजीज जो होगा जिसकी वजह से होगा, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। यानी ट्यूबरक्लोसिस डिजीज में से लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन को मतलब पता करना है यदि होगा, तो फिर हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, IgRAS का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पूरे होल ब्लड टेस्ट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पर्पल कैप्ड वैकम ट्यूब हैज विच ऑफ दिस एज एन एंटीकोगुलेंट। जो पर्पल कैप्ड वैकम ट्यूब होते हैं उसमें से एंटीकोगुलेंट कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है, ये पूछा जा रहा है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बारे में आपको पता ही होगा कि जो पर्पल कैप होता है, या लेवेंडर बोल सकते हैं, तो ये पर्पल कैप में क्या होता है, तो EDTA होता है, ठीक है। तो ये EDTA वायल होता है, तो EDTA में क्या होता है, EDTA का फुल फॉर्म के बारे में पता ही है, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये भी कई बार पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और यदि इसके बारे में और यदि दोबारा क्वेश्चन आता है, फ्लोराइड के बारे में पता है कि फ्लोराइड जो होता है वो ग्रे कलर का होता है बाइल, ठीक है, ग्रे टॉप होता है उसका, सोडियम फ्लोराइड या सोडियम पोटासियम ऑक्सलेट ये भी हो सकता है, ठीक है, पोटासियम ऑक्सलेट हो या सोडियम फ्लोराइड हो। यदि लाइट ब्लू के बारे में बात करें, तो सोडियम सिट्रेट जो होगा वो लाइट ब्लू होगा, ठीक है, उसका कोगुलेशन प्रोफाइल के लिए जो टेस्ट होता है उसके लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ दिस इज नॉट अ हाई लेवल इंडिकेटर ऑफ एनिमल वेलफेयर। बोल रहा है कि इसमें से जो दिए गए हैं उसमें से कौन हाई लेवल इंडिकेटर एनिमल वेलफेयर का नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन्वायरमेंट विथ द इनक्लोजर, ठीक है। बाद बाकी क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, अपेरेंस, बॉडी फंक्शन, ये सारे जो होंगे एनिमल वेलफेयर के इंडिकेटर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 चले, तो 11 क्वेश्चन नंबर में हमारा बोल रहा है, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप इज बेस्ड ऑन विच ऑफ दिस इंडिकेटर टेक्निक। तो कौन से टेक्निक के ऊपर जो होता है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप जो होता है वो बेस्ड होता है, तो फेज कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर बेस्ड होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं उसके ऊपर ये बेस्ड होता है, अलग अलग जो मीडियम होता है अलग अलग, उसके अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, ठीक है, कि जो स्पीड होता है लाइट का अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो फेज कॉन्ट्रास्टिंग माइक्रोस्कोप होता है वो रिफ्रैक्ट करता है, रिफ्रैक्शन के इंडेक्स के ऊपर ही वो बेस्ड होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। द स्टूल सैंपल कंटेनिंग द ओबा एंड सिस्ट ऑफ पैरासाइट्स कैन बी प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द फ्लोइंग मेथड एक्सेप्ट। इसमें पूछा जा रहा है कि जो स्टूल सैंपल होता है जिसमें ओबा सिस्ट पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं उसको प्रिजर्व किया जा सकता है, ठीक है, किस मेथड को छोड़ के, बाद बाकी सारे मेथड से हम कर सकते हैं, तो पोटासियम क्लोराइड जो है इस मेथड को छोड़ के, बाद बाकी हम लोग PBA 10% फॉर्मल सेलाइन, उसके बाद मर्थ्यूलेट आयोडीन फॉर्मेलिन, तो इन सब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है, बाद बाकी पोटासियम क्लोराइड का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, ओवा या सिस्ट को, पैरासाइट्स को प्रिजर्व करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। विच ऑफ दिस इज टू बी कलेक्टेड from all patients with the clinical features compatible with measles, जो measles से प्रभावित जो होते हैं patients, तो उनमें से किसका collect हम लोग जो sample collect करते हैं, तो कहाँ से collect करते हैं, throat swabs specimen collect करते हैं, ठीक है।
इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो मिजल्स जो डिजीज होता है ये वायरल इन्फेक्शन है, और ये स्मॉल जो चिल्ड्रंस होते हैं उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, काफ़ी सीरियस भी होता है उस कंडीशन में। और ये जो है ये रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स जो होते हैं उसके द्वारा जो होगा ये फैल सकता है, कफिंग स्नीजिंग इनके द्वारा ये फैलता है, आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके सिम्टम के यदि बारे में बात करें तो फीवर, कफ, रनिंग नोज, उसके बाद रेसेस, ये भी देखने के लिए मिलते हैं इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसके एवरेज लाइफ स्पेन कितना होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 100 to 120 days। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता ही है कि जो आरबीसी होता है उसका एवरेज लाइफ स्पेन कितना होता है, तो 120 days तो ऐसे भी पता ही होगा, तो 100 to 120 days का राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम इज द, तो एमसीबी के बारे में आपको पूछा जा रहा है, तो एमसीबी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, तो एमसीबी का मतलब जो है ये क्या करता है, ये ऐसे भी हमें पता है कि जो कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम है तो हमारे बॉडी में जो है कॉर्पसल्स जो होंगे वो आपको पता है कि WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स, तो यहाँ पे जो है ये MCV जो है ये मेजर करता है सिर्फ और सिर्फ रेड ब्लड सेल्स के एवरेज साइज को, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर द एवरेज साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। यदि इसके नॉर्मल रेंज से कभी क्वेश्चन अराइज यदि हो जाता है तो 87 से प्लस माइनस 7 कर सकते हैं आप, ठीक है। कई बार जो नॉर्मल रेंजेज होते हैं वहाँ पे 80 to 100 भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। और इसका यूनिट जो होगा वो फेमटोलीटर में होगा, वो भी याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। विच ऑफ दिस टेस्ट इज एसोसिएटेड विथ डायबिटीज मेलाइटस, इसमें जो दिए गए टेस्ट हैं वो डायबिटीज मेलाइटस से एसोसिएटेड कौन से टेस्ट हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, HbA1c। HbA1c के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि HbA1c जो टेस्ट होता है वो हम लोग जो 3 month का एवरेज जो होता है ब्लड का, तो उसमें जो ब्लड शुगर होता है उसको हम लोग इससे डिटेक्ट करते हैं HbA1c टेस्ट के द्वारा, ठीक है। और ये जो टेस्ट होता है HbA1c जो टेस्ट होता है तो ये का मतलब एक इंडिकेटर है, ये इंडिकेट करता है कि कोई भी पर्सन जो है वो डायबिटिक है या प्री डायबिटिक, तो इसे पता चल सकता है, ठीक है। यदि कोई डायबिटिक केस में जा रहा है, डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहा है, तो हमें HbA1c से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो प्री डायबिटिक और नॉर्मल इसका कितना हो सकता है रेंज, तो 5.7% जो होगा वो नॉर्मल होगा, ठीक है। उसे यदि बिलो है तो नॉर्मल है, उसे यदि ज़्यादा है जैसे 5.7% से 6.4% तक है, तो इसका मतलब है कि वो प्री डायबिटिक है, ठीक है। और डायबिटीज़ के कंडीशन में वो 6.5 से अबव होगा, ठीक है, तो ये याद रखना है, 6.5 हो या उससे 6.5 से अबव हो तो वो डायबिटिक में आ जाएगा, ठीक है। तो HbA1c टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, पता कर लगाते हैं कि ब्लड शुगर का अमाउंट कितना है, जो कितना हेमोग्लोबिन के साथ ब्लड शुगर कितना अटैच है, ठीक है, इसे ये मेजर कर सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ दीज इज़ नॉट यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हेमोग्लोबिन बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ कलर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि किसका इस्तेमाल हम लोग हेमोग्लोबिन को एस्टिमेट करने के लिए नहीं करते कलर डेवलपमेंट के बेसिस पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैपिड एसे मेथड, ठीक है। बाद बाकी आपको पता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन मेथड के बारे में पता ही है कि इसका इस्तेमाल हम लोग हेमोग्लोबिन को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, साइनमेट हेमोग्लोबिन मेथड का भी पता ही होगा आपको, उसके बाद अल्कलाइन हेमेटिन मेथड, इन सब का इस्तेमाल हेमोग्लोबिन को एस्टिमेशन करने के लिए करते ही हैं कलर बेस्ड पे। बाद बाकी जो रैपिड एसे मेथड होता है उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। तो अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपको यहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में देना है कि वहाँ पे एक्सेप्ट हो सकता है नहीं, वहाँ पे नॉट हो सकता है, किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसको छोड़ के, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको दिख ही रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन वैसे ही नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रोग्राम सेल डेट इज़ ऑल्सो नोन एज, जो प्रोग्राम सेल डेथ होता है उसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस जो है ये प्रोग्राम सेल डेथ है, ठीक है। तो इसके वजह से इसका इस्तेमाल जो है वो अनवांटेड सेल्स को जो होता है एक तरह से एलिमिनेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाता है, ठीक है, एपोप्टोसिस, तो ये भी आपको याद रखना है।
तो एपोप्टोसिस के टाइम में क्या होता है, जो सेल होता है वो श्रिंक भी हो जाता है या पुल अवे फ्रॉम इट्स नेबर्स, जो उसके आसपास के जो सेल्स होंगे उससे पुल अवे हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके वजह से कई बार इन्फ्लामेशन भी दिख जाता है, कई बॉडी में जो होगा स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाता है एपोप्टोसिस की वजह से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच ऑफ दीज इज़ नॉट पॉसिबल वाइल एग्जामिंग बैक्टीरिया अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जब हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो एग्जामिन कर रहे होते हैं, तो क्या पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो शेप एंड साइज तो दिखता ही, आउटलाइन दिखता ही है, वेट फिल्म दिखता ही है, लिविंग स्टेट या फिक्स्ड विथ स्टेनिंग, जो लिविंग स्टेट होता है या फिक्स करते हैं उसको स्टेनिंग के साथ फिक्स करते हैं। बाद में एक्सेलेंट कॉन्ट्रास्ट टू एग्जामिन डिटेल मॉर्फोलॉजी, ये चीज़ हमें नहीं दिखता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, ठीक है। एक्सीलेंट कॉन्ट्रास्ट तो दिखेगा ही नहीं, तो डिटेल मॉर्फोलॉजी जो होगा एक्सीलेंट कॉन्ट्रास्ट के साथ, ये देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करना पड़ेगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। चलिए आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन इन एडल्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ दिस। जो एडल्ट में हेमोग्लोबिन होते हैं उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है उसको बताने के लिए, ठीक है, एडल्ट हेमोग्लोबिन को शो करने के लिए। और बाद बाकी यदि हम बात करें जो फिटल होता है, तो फिटल वाले में क्या होगा, 2 अल्फ़ा 2 गामा, ठीक है। और बाद बाकी एम्ब्रायोनिक यदि होगा तो 2 जेल्टा और 2 एप्सिलॉन, ठीक है, तो ये चेन दिखेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो जल्द से ही जल्द आपको मिल जाएंगे। और इसके भी ये जो 20 क्वेश्चन मैंने अभी बताए, इन 20 क्वेश्चन का भी आपको जो है PDF इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।